अगर आप टॉक्सिकोलॉजिस्ट हो या फार्माकोलॉजिस्ट हो तो न्यूरोसाइंस रिसर्च में आपने एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में सुना होगा, दैट इज़ SLA, दैट इज़ स्पॉन्टेनियस लोकोमोटर एक्टिविटी। तो ये किस लिए होता है कि नॉर्मल एनिमल जैसे किस तरीके से मूव करता है और अगर एबनॉर्मेलिटी है तो वो किस तरीके से अपना बिहेवियर शो करेगा। तो आप उसकी नॉर्मली एक्टिविटी, जैसे हमें किसी जगह छोड़ दिया या हमें कहीं पे बिठा दिया तो हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो ये नॉर्मल बिहेवियर और अबनॉर्मल बिहेवियर जैसे कि हम बोल सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं, जैसे कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्योंकि जब ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हो तो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। जैसे इस ग्राफ में दिया गया है, दैट इज़ आपको दिख नहीं रहा होगा बहुत अच्छे से, बट इट इज़ टाइम ट्रैवल, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो कितना इस एनिमल ने कितना घूमा पर्टिकुलर 5 मिनट में, जैसे अगर 5 मिनट का लगाते हैं हम ये टेस्ट तो ठीक है, तो सॉरी ये जनरली 10 मिनट का टेस्ट होता है, तो 10 मिनट में कितना ट्रैवल किया। और अदर पैरामीटर्स इसी टेस्ट से आप क्या क्या पता कर सकते हो, क्या रेसिडेंस टाइम दैट इज़ RT, वो कितना टाइम तक एक जगह पे था। एक होता है स्टीरियोटाइपिक टाइम, मतलब एक ही जगह पे एक एनिमल जब घूमता है ना, स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर मतलब एक एक्टिविटी बार बार करना, उसको स्टीरियोटाइपिक टाइम बोलते हैं। एक होता है AM, दैट इज़ एम्बुलेटरी टाइम। एक होता है BSM, दैट इज़ बर्स्ट स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट। एक होता है हॉरिजेंटल काउंट, मतलब ये हॉरिजेंटली कितना गया, कितना आया। एक होता है AC, दैट इज़ एम्बुलेटरी काउंट। सो बहुत सारी चीज़ें इसमें आप कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द वॉट यू नीड टू रिप्रेजेंट इन योर डेटा। सो दिस इज़ दैट इज़ SLA।